भगवान मुरली मनोहर भरेंगे भात, भातई बनेंगे नित्य किशोर पुरोहित। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसी कहावत की तर्ज पर लड़के लड़कियों की शादी में भातई का फर्ज मुरली मनोहर मंदिर परिवार निभाएगा। जिन बहनों के भाई नहीं होते या जिन बहनों के भाइयों से किसी बात को लेकर संवेद विच्छेद हो जाते हैं, उन बहनों के बच्चों की शादियों में समय से पहुंचकर हम भात ले जाकर भातई का फर्ज निभाएंगे। अलीगढ़ जयगंज स्थित लगभग 175 वर्ष प्राचीन मंदिर मुरली मनोहर जी महाराज के अंतर्गत मुरली मनोहर पीठाधीश्वर नित्य किशोर पुरोहित जी के द्वारा संपूर्ण भारत में केवल सनातन धर्म के परिवारों के लिए एक अनूठी पहल अपनाई है। संतान के विवाह के समय जिन माताओं के मायके से किसी भी कारण से भात नहीं आ पाता, उन माताओं को अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन शादी में मामा का फर्ज निभाने का आपने एक संकल्प लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस मंदिर के द्वारा ये संकल्प किया गया है? देखिए, जयगंज अलीगढ़ में 175 वर्ष प्राचीन मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज के द्वारा जिन परिवार में माताओं के संतान का विवाह है, जैसे किसी माँ के बेटे या बेटी का विवाह है, तो उस समय जब भात की रस्म होती है तो माँ को लगता है कि मेरा भाई आता, क्योंकि बहुत सी माताओं के भाई हैं ही नहीं, और बहुत सी माताओं के भाई हैं तो पारिवारिक झगड़े के कारण आना जाना नहीं है, चाहे भाई ना हो या आना जाना ना हो, लेकिन भात के समय बहन को भाई की याद आती ही आती है। वो चाहती है कि मेरा भाई आए और मायके की चुनरी मुझ पर उड़ाए, लेकिन वह नहीं आता। बहुतों के भाई नहीं है तो वो भी नहीं आ पाते, उस समय माँ को लगता है कि मेरा भाई आता। ऐसी माताओं के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में किसी भी शहर में केवल सनातन धर्म की माताओं के संतानों के विवाह में जब भी विवाह हो और मामा ना हो, तो आप मंदिर के नाम एक महीने पहले शादी का कार्ड भेज दें और उसमें भात की डेट लिख दें, तो मंदिर की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप, किसी व्यक्ति का नहीं, मंदिर भगवान मुरली मनोहर जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप भात का सामान मंदिर समिति या मंदिर परिवार जो है उसकी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति लेकर जाएगा और उस बहन को उसके भाई की कमी को महसूस होने नहीं देगा। क्या ये संकल्प सिर्फ गरीब कन्याओं के लिए रहेगा या कोई भी माता जिनके भाई नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं? नहीं, गरीब और अमीर वाली बात नहीं है। यहाँ जिस बहन के भाई नहीं है या उसका भाई से बोलना चालना नहीं है या भाई आकर खड़ा नहीं हो रहा, उसके लिए गरीब और अमीर नहीं, ये भावना की बात है। जिसके भाई नहीं है वो चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको हुक लगती ही लगती है कि मेरा भाई होता है।